हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो, नए व्लॉग में। तो आज ना मैं सुबह से ही व्लॉग शुरू कर दी हूँ, लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी ना मैंने घर में कोई काम नहीं किया हुआ है, झाड़ू पोछा, बस चाय पी के मैं बैठी हूँ। कल करवा चौथ था तो सारा सामान घर में बिखरा हुआ है, उसी को मैं समेट रही थी। कैसा रहा आप लोगों का करवा चौथ? आई होप कि आप लोगों का भी अच्छा रहा होगा और हमारा भी बहुत अच्छा रहा और पूरा दिन ना अच्छे से निकल गया था, सारी चीजें टाइम के अकॉर्डिंग सही हो रहा था। और धीरे धीरे जैसे शाम हो रही थी ना, तो थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, बाकी भूख प्यासा कोई एहसास नहीं था मुझे कल, तो ऐसा तो चलो होते रहता है। और आप लोग अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फिलहाल ना मैंने जो भी सामान कल निकाला हुआ था उसको मैं सब समेट रही हूँ। और ना जैसे हमें कहीं जाना होता है और तैयार होना होता है तो पूरे घर में भूकंप सा आ जाता है ना, जैसे एक चीज़ हमें निकालनी होती है, एक चीज़ पहननी होती है, उसके लिए हमें 2-3 चीज़ें और निकालते हैं ट्राई करने के लिए कि कैसा रहेगा, अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा करके। तो इसी तरीके से सारा सामान घर का निकल जाता है। तो आज मुझे लग रहा है कि पूरा मॉर्निंग ऐसे में निकलने वाला है कि ये साफ सफाई करते रहो और इनको संभालते रहो ताकि अगले आने वाले टाइम पे हमें वो चीजें जल्दी से मिल जाए। ठीक है, तो देखिए, और वहां पे साड़ी भी छोड़ा तो मैंने कल उसी समय फोल्ड करके रख दिया था, पर साड़ी मैंने फोल्ड नहीं करी। और जो मैंने उसके साथ की जो सेट लेके आई थी चूड़ी के ना, उसको ये मैं सिर्फ इसी कलर की चूड़ियाँ लेके आई थी और इसका सेट मैंने घर पे ही बनाया। जो दूसरा सेट मेरे पास पड़ा था गोल्डन कलर का इस टाइप का, तो उससे मैंने सेट बनाया था। तो इस चक्कर में ना उसके चक्कर में 2 सेट मेरे निकालने पड़े चूड़ियों के, जो मैं अभी सबको अलग अलग करके रख रही हूँ। ये देखिए, तो जो जैसे था इसका सेट मैंने निकाला हुआ था, गोल्डन कलर की चूड़ियाँ मैंने ये वाले सेट से निकाली हुई थी। और जो मैंने सुबह चूड़ा पहने थे तो वो चूड़ा मैंने यहाँ से निकाले हुए थे, मॉर्निंग वाले सेट में मैंने चूड़ा पहना था तो वो मैंने यहाँ से निकाले थे। तो सभी को अपना अपने अपने जगह पे सेट कर देती हूँ। और कुछ कंगन मेरे यहाँ से भी निकले हुए थे, कुछ चूड़ियाँ मेरी वहाँ से भी निकली हुई थी। तो सारे मेरे जो भी सामान है ये क्लिप वगैरह सब कुछ ऐसे फेंक रखी है। और देखो पहले इनको सेट कर लेती, आज के दिन की शुरुआत यहीं से हो रही है। अभी मैं नहा धो के मंदिर में आ गई हूँ, झाड़ू पोछा सारा कुछ हो गया है और जो कल का सामान है ना मेरा सब ऐसे रखा हुआ था मैंने मंदिर में, तो सभी कुछ यहाँ से संभाल के रख दूंगी। इसको ना मुझे किसी को देना होगा, ये
तो चलिए ये काम निपटा लेती हूँ फटाफट से, फिर अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं है, सभी लोग करके चले गए हैं अपने अपने काम पे, सिर्फ मैं रह गई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो इसको करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और आज हम पूरे दिन घर पे ही रहेंगे। पूजा करने के बाद ना अब आती है बारी नाश्ता करने की। नाश्ता करने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ और आज किचन का हाल भी कुछ ऐसी है क्योंकि सुबह से किचन छोड़ा हुआ है, सबको नाश्ता करा के भेजते रहती थी। अब आती बारी मेरे नाश्ता करने की, उसके बाद मैं सारा सामान समेटूंगी। और ना ये तो डेली का काम रहता है हम लोगों का, इसलिए डेली व्लॉगिंग भी नहीं हो पाती है क्योंकि रोज ये चीज क्या दिखाना हो रहा है ना, कभी कभी तो चलता है। इसलिए ये रहा मेरा आज का नाश्ता। और ना आज मैंने रोटी या फिर पूरी नहीं बनाई क्योंकि कल रात की बहुत बच गई थी, इसी को मैं गर्म करके खा रही, नहीं तो सारे वेस्ट हो जाते हैं ना। आज इसी का नाश्ता करेंगे। मैं एक जार लेके आई हूँ 1400 ml का, और ये ना मैं अचार के लिए लेके आई हूँ क्योंकि हमारे घर में मिर्च का अचार बहुत ज़्यादा बनता है। अभी जो घर में अचार पड़ा हुआ है ना मैं इसमें भर दूंगी। और ये इसका ढक्कन, और ये ना मैं लोकल से ही लेके आई हूँ, उसकी गुणवत्ता को कायम रखने के लिए मैं ये वाला जार लेके आई हूँ। और मेरे घर में ना जो भी जितना भी डिब्बे में मिर्च का अचार रखा था मैंने इसमें खाली कर दिया है, और वो सारा अचार मैं इसमें भर दूंगी। अभी देखिए सारा अचार मैंने इसमें डाल दिया है और जो बचा हुआ तेल था ना वो मैंने अलग कर दिया, क्योंकि जब भी हम अचार निकालते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा तेल खाने में आ जाता है, वो एकदम बेकार सा लगता है, तो इसलिए मैं इसको अलग कर दूंगी। हो सके तो बाद में थोड़ी सी मिर्ची ला के मैं इसमें अचार डाल दूंगी। और ये वाला मैंने फिलहाल के लिए इसमें डाल दिया। और बचा हुआ सारा तेल मैंने इसमें जमा करके रख दिया है, तेल पुराना नहीं है नया ही है, तो मैं इसमें एक बार और अचार बना लूंगी। इसको संभाल के रख देते हैं। हम लोग ना कुछ गमलों का DIY घर पे बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं पेंट ढूंढ रही हूँ। पेंट मैंने रखे हैं संभाल के, जो बचे हुए पेंट थे हमारे घर के सारे, वो सब मैंने संभाल के रखे हुए हैं इसमें। ये देखिए, और जब मैंने ये रखे थे ना सब में नाम लिखा हुआ था कि ताकि आसानी से मिल जाए मुझे। ये प्राइमर है और ये डैम प्रूफ, सबका नाम लिख के मैंने यहाँ पे रखे हुए थे। तो इनमें से जो अच्छे अच्छे पेंट है उनको निकाल के रख देती हूँ और सारे डिब्बों में मैं पेंट कर लूंगी जो हमने गमले के लिए तैयार कर रखे हैं। अभी ना मेरी शाम की चाय बनके तैयार हो गई है। अब चाय पीने के बाद ना हमें जाना है सब्जी लेने। व्लॉग को ना यहीं तक रखूंगी क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसी के साथ व्लॉग को एंड करूंगी। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं सरिता मिलती हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।